एक पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। महज उस बच्ची के दिल में छेद था, इसी वजह से पिता एक हत्यारा बन जाता है और अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देता है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना के कदम कुआं इलाके में एक बच्ची की हत्या हो जाती है। पुलिस अलग अलग पहलुओं पर जांच करती है, जांच के बाद खुलासे होते और सनसनीखेज ढंग से पुलिस ने भी इस मामले का खुलासा कर दिया है। एक पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। महज उस बच्ची के दिल में छेद था, इसी वजह से पिता एक हत्यारा बन जाता है और अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देता है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से इस मामले को पूरी साजिश के तहत रची गई और पिता अब पुलिस के सामने क्या खुलासे किए हैं। सबसे पहले मैं आपको पटना के टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह को सुनवाते हैं। 20 अप्रैल को भारत यादव अपनी छोटी सी बच्ची को की हत्या कर दिए और उसका कारण ये रहा है कि बच्ची को बीमारी थी, बीमारी का इलाज करा रहे थे और जो इलाज में खर्चा हो रहा था उसको वहन करने में असमर्थ थे और परेशान थे, जैसा कि बता रहे हैं। और खर्चा से परेशान होकर के उन्होंने 2.5 माह की दूध मोही एवं अबोध बच्ची का हत्या उन्होंने मतलब रश ये गले में कपड़ा लगा करके गला घोट करके कर दिया। इसके बारे में किसी से पहले चर्चा किए थे? नहीं, चर्चा तो नहीं किए थे, और चर्चा नहीं किए थे और साक्ष्य को छिपाने के लिए, साक्ष्य को समाप्त करने के लिए, मिटाने के लिए उन्होंने बच्ची के शव को भी प्लास्टिक के डब्बे में, डलडा के डब्बे में रखा था। परंतु कदम कुआं पुलिस सूचना प्राप्त होते ही घटना का अनुसंधान करते हुए, जांच करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को ढूंढ निकाला और उसके पश्चात शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया है। भरत यादव जो कि दोषी हैं, बच्ची के पिता हैं, उनसे गहरी पूछताछ के पश्चात कदम कुआं पुलिस ने इस निष्कर्ष को निकाल लिया कि बच्ची की हत्या उसके पिता ने ही किया है। और तत्पश्चात भरत यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने अपने दोष को स्वीकार भी कर लिया है। पिता के अलावा कोई और लोग भी इसमें संलिप्त है या सिर्फ? नहीं नहीं, और कोई इसमें संलिप्त नहीं है, भरत यादव ही संलिप्त हैं और भरत यादव ने अपने दोष को स्वीकार कर लिया है, न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं। तो आपने सुना उनको, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इस पूरी वारदात रची गई उसके बाद पुलिस को आशंका हुई थी, शक हुई थी कि कहीं ना कहीं पिता इस मामले में संलिप्त पाया गया। पुलिस उससे पूछताछ करती है, पूछताछ के क्रम में पता चलता है कि पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। महज दिल में छेद होने की वजह से वो इलाज नहीं करवा पा रहा था, वो कर्ज में डूबा था और वजह बस यही रही कि पिता उस बेटी को, उस मासूम सी बच्ची को मौत के घाट उतार देता है। अब इस मामले में पुलिस ने उसे उठा लिया है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब जेल भेजने की तैयारी पटना पुलिस कर रही है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वारदात हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से एक डिब्बे में बंद करके उस पिता ने उस बच्ची को रखा था और फिर उसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। बड़ा इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।